बेटा बहुत हो गया। सास गाली देवे ससुर जी समझा ले में ससुराल गेंदा पू। पता है लोगों से काम करवाते कैसे। समय भी हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियलिटी चेक बाय शिप्रा। आज शादी का सेकंड फंक्शन जो कि है दुर्गैया। तो हमारे शादी के पहले दुर्गैया खिलाई जाती है और शादी के बाद सोगले किए जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी मैरिड लेडीज आने वाली हैं, उन्हें खाना खिलाया जाएगा, पूजा की जाएंगी। और ये है आज का मेरा लुक। मैंने पहना है बहुत सुंदर सी टू पार्ट वाली साड़ी और साथ ही साथ मेरी मासी ने भी बहुत सुंदर सा आउटफिट पहना है। मासी ने पहना है सुंदर सा येल्लो कलर वाला लहंगा, बड़ा सुंदर लगा। इसको हमने स्पेशली साड़ी से स्टिच करवाया। इवन ये जो साड़ी है टू पार्ट वाली है, नीचे वाले पार्ट का सिला लिया था लहंगा। एक छोटे से ग्लिम्स देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि जो लुक है किस तरीके से निकल के आ रहा है। सब नीचे पहुंच चुके हैं और मेरे को आवाज़ दे दे के बुला रहे हैं, पर एज यूजुअल मैंने तो लेट ही करना है क्योंकि मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की हेल्प भी की थी भाई। तो चलो फटाफट चलते हैं नीचे। सक्षु बेटू चलना नीचे। तो ये इसको बोलते हैं आका लगाएंगे। मेरे को पसंद है नहीं उनके भी करती हूँ मेहंदी। हाँ तो चलती है तो मेरे को मेहंदी भी पसंद है, माहौर भी पसंद है। सारी लेडीज आ गई, पूजा भी बस स्टार्ट होने वाली है। बाहर सारी लेडीज बैठी है, आपको आवाज़ तो आई रही और मैं थोड़ी यूज टू नहीं हूँ ना इन सब चीज़ों की, उनको अलग से एंग्जाइटी होने लग जाती है। आप लोग बता ना, आप लोग सब भी ऐसा होता है क्या? थोड़ी ग्लिम्स आपको दिखाई दी मैंने कि पूजा किस तरीके से रन सेट के। बहुत ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सारी औरतें मेरे को घूम घूम के देखती है, थोड़ा बहुत ही कर लूँगी। गुड़िया ये है गुड़िया, मेरी भतीजी क्यूट थी। गुड़िया के भी टेंथ के एग्जाम है, प्रिपरेशन हो गई गुड़िया? लगभग हो गए। पता नहीं यार ये बिंदी क्यों ये कैमरा बिंदी को ब्लर कर देता है। अब मैंने बिंदी लगाई तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। और यार हमारा लालू पालू आतंक कर रहा है। लालू हाय बोल। हाय 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 लालू। लालू क्या है आज, आज क्या है अपने घर में, क्या है अपने घर में? लाला पूजा। किसकी शादी है? विक्रम विक्रम लाला की चाची आने वाली है। विक्रम मतलब लाला की चाची आने वाली है क्या? चाची आने वाली है विक्रम की चाची। हाँ क्या दादी कैसे हो? मम्मी सबसे थोड़ा कलेक्ट कर रही है। भाई की शादी नहीं होती, एक दिन भाई की शादी जुड़ जाती है तो फिर वो सोच में पड़ता कि मैं घर के बाहर जाऊंगा बारात लेकर दूल्हा बनके, तो मेरी चिड़िया को कौन देखेगा घर के। तो वो ऐसे चिंता करते रहता, चिंता में बहुत प्यार करता अपनी चिड़िया से, तो वो भी लगेगा तो मुझे ठीक है दे देते उसको। तो मैं जाती हूँ क्या करती, कुमार रहता, कुमार के आगे के पास में बच्चों को अच्छे से लपेट लपेट के रख देती हूँ। तो फिर कुमार को भी बच्चे नहीं रहते, वो ऐसे आता अपने इधर उसमें आबे के बजे, अरे ये बच्चे कहाँ से आए इतने सुंदर बच्चे। तो बोलते ठीक है। अभी बस लास्ट पॉइंट पूजा के लास्ट पड़ाव के साथ की बात। जय गणेश माता जी पार्वती पिता पहली बार नहीं है ना, तो भी पूरा खाना पड़ता है, इसी नंबर आपका ही है।
डाल दे जा, ये डाल दे बाबू, ये 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 आरती ले ले, ले आरती मैंने लिया था, मैंने लिया था भाई, वापस हां हम सब लोग आ जाओ, पता आ जाएगा आपके जो के बारे में आज वाले बच्चों को शर्म तो बहुत भर बात कह रही है, एक्टिंग कर रहा कि बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका। अब विक्रम को आदत डालनी पड़ेंगी, अच्छे से बेटा खुश रहे, कभी कभी छप्पड़ तो हाथ में नहीं नहीं बेटा बहुत हो गया, आयुष पैर पड़ो बेटा, अरे पढ़ो बेटा आयुष पढ़ो पढ़ो, मैंने पैर तो पढ़ना पड़ता, पढ़ लिया ना मैंने, बता मम्मी को तो कह रहे कहाँ लिया बेटा, कहाँ लिया आरती, जल्दी आ जा। बस पूजा हो गई है, फिनिश, अब बस सब लोग खाना खाने लगे हैं, सब चाचियाँ खाना परोस रही है, बड़ी मम्मी लोग खाना परोस रही है। मैं यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यहाँ जस्ट छोटे छोटे मैंने क्लिप ले लिए, यहाँ सब पांच औरतें बैठ के पीसन छुरी से पीसन चूना कहते हैं, जैसे कि शादी के पहले पांच औरतें मिलकर अनाज साफ़ करती है, हल्दी कूटती है, वड़ी डालती है, यही सब रस्में होती है, तो बस हमें सब बताए जा रहे थे, हम वैसे वैसे किए जा रहे थे, आप लोग भी इंजॉय करिए। कूटने दो नहीं अभी, चाहे वो देख देख के थक जाएंगे कि नहीं। मौसी गाएगी, मौसी मौसी है ना, मौसी गावा। बहुत अच्छे से, ये पहले फंक्शन में हमारी हालत बहुत टाइट है, चेहरे की रौनक को देखे तो नज़र आ ही रहा होगा कि क्या से क्या हो गया एक ही दिन में, अभी तो फुल पे शुरू भी नहीं हुई है शादी और थकान चेहरे पे नज़र आ रही है, पर कोई बात नहीं, हम पूरे एनर्जी को वापस ला के अपना सेकंड रिचुअल स्टार्ट कर रहे हैं, कपड़े तो ऑलरेडी चेंज कर रखे क्योंकि साड़ी अब बर्दाश्त नहीं होती, तो यहाँ हम भर रहे हैं दुल्हन की पेटी, तो इसमें होता ये है कि हमें पेटी में सामान भरना होता है, तो पहले के ज़माने में तो लोहे वाली पेटी में सामान भरा जाता था, तो हम भी पुराने ज़माने वाली पेटी में ही सामान भरे हैं, मॉडर्न सूटकेस यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी टिपिकल है, तो बस अभी मेरी बहन बना रही है स्वास्तिक और अब पांच औरतें मिलकर बनेंगी वो पेटी, सारी वजह तैयारी हमने कर रखी है, बस हमें सामान डालना ही है, तो चलिए शुरू करते हैं ये रिचुअल भी। तो यहाँ इस तरीके से स्वास्तिक बनाया जा रहा है और ये सारा जो सामान दिख रहा है इधर साइड वाला सामान बस हम ये सब भर देंगे, और हमारी मौसी भी नेट फॉर्म में आ चुकी है जो कि है
तो फाइनली अब पूरी पेटी भर के तैयार हो चुकी है। तो बहुत सारा हमने सामान रखा है, जो भी सामान हमने रखा है तो उस सब के हमने एक लिस्ट मेंटेन कर ली है कि जिससे कि सामान देते वक्त या किसी ने पूछा तो निकालते वक्त काफ़ी आसानी होंगी। तो इसी तरीके से हम जो मेजर वाली पैकिंग है इसी तरीके से कर रहे हैं, अरे लिस्ट बना बना के कि एंड टाइम पे डी डे पे हमें कोई तकलीफ ना हो, भागा दौड़ी ना मचे। शादी वाला घर, शादी वाली बातें, और देखो मेरी बहन थकी मांदी बेचारी, और मौसी अपना प्रिपेयर करने में लग गई ये सूपा। और फटाफट अब बस थोड़े टाइम पे हमें प्रॉप्स का भी काम शुरू करेंगे, तो इसका फिनिश बताऊंगी, फिनिश लुक की कैसा लगने वाला है प्रॉप बन के। साढ़े दस बज रहे और अभी तक इन लोगों ने इतने सारे प्रॉप्स बना लिए और इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। और तैयारी करते करते मैंने भी अपने आप को गेंदे के फूल वाले लुक में कवर कर लिया है। इतना इरिटेशन हो रहा है अब काम कर कर, कुछ कमी रहेगी जरा, कमी रहेगी तो कमी पूरी कर दो। चाला वाला गाना गाते अपन, ये क्या कर रहे हो मौसी, मेरा तमाशा बना रहे हो? अरे आजकल नहीं, मजाक में मत करिए। वाह, तो पूरा ये जो डेकोरेशन वाला काम है होल एंड सोलली किया है मेरे सिस्टर ने और मासी ने, पर गाइज मैनेजमेंट वाला काम मैंने किया है क्योंकि आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो मुझे पता है लोगों से काम करवाते कैसे, समय भी हमारा, पर जो बॉस है वो बॉस होता है और उससे काम करवा के रहना उसको आना चाहिए लोगों से, सो आई एम गुड एट दिस वर्क। तो मैंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दिया था मेरी इमेजिनेशन क्या है और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको एक्सिक्यूट किया है। थैंक यू मौसी, थैंक यू निया। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल रियलिटी चेक बाय शिप्रा। शादी वाले और एक्साइटिंग व्लॉग आने वाले हैं, अभी तो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड।